नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों बात क्या है कि अब केंद्र सरकार ने एक ऐसा मतलब अनाउंसमेंट किया है कि आप 30 सितंबर से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए, वरना उसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है अमान्य मतलब बिना काम का रह जाएगा, यूजफुल नहीं रहेगा, उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको भी सीखना है पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कराते हैं तो आप और वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं हूं सुप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं चौबे टेक्निकल। दोस्तों आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हम इस प्रकार नए वीडियो लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना गूगल को क्या करना है, ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करते ही आपको एक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस लिंक को यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करके सर्च कर लेना, मतलब इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करके सीधे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, आप बड़े आसानी से वहाँ पे काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए आपके सामने एक प्रकार की नई विंडो खुल के नज़र आती है। अब दोस्तों जैसे ही आपको सामने एक नज़र आता है तो ऊपर देखिए 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर देखिए जो 3 डॉट है जो ऊपर साइड कोने के अंदर यहाँ पर, इसको क्या करना है, इसके ऊपर हमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, इसको कंप्यूटर मोड में कर लेना है क्लिक करके। देखिए ये बड़ी स्क्रीन हो गई। अब देखिए थोड़ा इसको हम एक कट कर लेते हैं, सामने जो नज़र आ रहा है इसको हटा लेते हैं। अब दोस्तों चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर देखिए लिंक आधार लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिंक आधार नज़र आ रहा है। अब लिंक आधार पे क्लिक कर लेते हैं। लिंक आधार पे क्लिक करते ही दोस्तों देखिए आपके सामने इस प्रकार का एक फॉर्म है जो बंद के आ जाएगा, जहाँ पर आपके पैन कार्ड आधार नंबर प्लस नाम मांग रहा है। तो एक बार हम इसको क्या करना है, फिलअप कर लेते हैं पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको दोनों चीज़ें भर दी है, पैन कार्ड नंबर प्लस आधार नंबर दोनों भर दिया है। और यहाँ पे देखिए मांग रहा है कि आधार कार्ड के ऊपर आपका कौन सा नाम है यहाँ पे डालिए। तो यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर जो नाम है एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने ये भी आपको सामने यहाँ पे डाल दिया, नाम भी यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब यहाँ पे दोनों पे टिक लगा लेना है, दोनों पे चेक मार्क कर लेना है, दो जगह पे ऊपर प्लस ये जस्ट नीचे वाली पे। अब यहाँ पे आप जो कैप्चा है एक बार यहाँ पे फिल कर लीजिए, जो कैप्चा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा BEVE6U, ठीक है। तो एक मैं इसको क्या करता हूँ एक बार टाइप कर लेता हूँ इसके जो कैप्चा दिखा हुआ। दोस्तों कैप्चा डालने के बाद आपको नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट OTP, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट फॉर OTP। तो इस वाले पे क्या करना है, चेक मार्क कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप चेक मार्क करते हैं नीचे एक ऑप्शन खुल कर नजर आता है, मोबाइल नंबर बताइए किसके ऊपर आपका एक OTP आएगा, वो OTP डालेंगे आप। तो देखिए मैं इसके ऊपर नंबर डालता हूँ, नंबर डाल के फिर यहाँ पे देखिए लिंक आधार लिखा हुआ, यहाँ पे लिंक आधार पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों देखिए लिंक आधार पर जैसे मैंने क्लिक किया, ऊपर एक लाइन लिखी हुई आ गई कि आपका जो मतलब आधार है मतलब पहले से ही रिक्वेस्ट की मतलब भेजी जा चुकी है, मतलब आपका जो पैन कार्ड है ये ऑलरेडी ऐड है, मतलब लिंक है पैन कार्ड के अंदर। तो दोस्तों एक प्रकार देखा जाती है बेस्ट तरीका है इस तरह, मतलब आप ऊपर लिखा हुआ भी है, क्योंकि दोस्तों मैंने एक बार डेमो करके मतलब मैंने ऑलरेडी देख लिया था इसको, फिर आपको मैंने बताया था कि जो स्टेप है आपको इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपका भी लिंक होगा तो ऊपर पता चल जाएगा, और नहीं होगा तो अपने आप लिंक हो जाएगा और आपको देखिए स्क्रीनशॉट पे ऐसा मतलब नज़र आएगा अगर लिंक होगा तो। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी स्टेप प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही हो तो नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये बात तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई हो वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, वहां पे हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी जो जानकारी है बढ़ सके। दोस्तों आपने चैनल को अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए उपयोगी ही साबित होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे बनेगी हर एक नॉलेजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।